हे जगतरनाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल लिली ग्रुप लोग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ की कृपा से। मैं अभी अच्छी हो गई हूँ, आप लोग तो बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बने रहिए वीडियो पर। चलिए दिन का स्टार्ट हो गया, किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये किचन में घुस गई तो दूध को मैं बॉयल होने के लिए उसको पहले छान के रख देती हूँ, और इसको मैं इंडक्शन में ही बॉयल करूँगी क्योंकि कभी कभी इंडक्शन में करती हूँ, कभी गैस पर करती हूँ। तो आज देखिए क्या बनने वाला है। अपने मन के हिसाब से कुछ नहीं कर पाओ, हमेशा दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या करें क्या करें भाई क्या करें? आज तड़का बना रही हूँ। आज भी मुझे जो सब्जी बेटी के हिसाब से बनाना पड़ता है, मैं इधर उधर बना लूँगी ना वो नहीं खाती है। तो ये माँ बातें कर रही थी, जो मजदूर है ना उसको बुलाओ, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर चली जाऊँगी, ऐसे बोल रही थी। तो मैं उसके साथ बातें कर रही थी। चलिए, बहुत सारे कपड़े था, टू इसका कपड़े था हस्बैंड के, मैं उसको सुखाऊंगी। तो ये टू इसका कपड़े पड़ा हुआ था हस्बैंड के, बीच में तो मेरा तबीयत ख़राब था और बारिश भी हुआ था, इसी की वजह से क्या करें ना कपड़े को नहीं धो पाई थी। तो मैं सोची इसको अभी धूप आ रहा है तो वो जो हमारा वॉशिंग मशीन पर डाल देंगे तो वो वॉश करेगा, लेकिन ये ना हमारा पहले मेरा था मतलब वो मैनुअल वाला वॉशिंग मशीन है, इसी वजह से क्या करती हूँ ना वो कपड़े को डाल देती हूँ और हाथ से मुझे जो कपड़े को हिला हिला कर धुलने को मुझे अच्छा लगता है धुलने के लिए, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कपड़े को पहले वॉश हो जाता है, वॉश करने के बाद मतलब वो जो वॉश करता है मशीन। तो देखिए जो हमारा हाइट लॉन्ग वाला हाइट वाला हाइट हो तो बहुत ही फायदेमंद होगा। मेरे टंकी को भी मैं देख रही थी कितने पानी है, तो लंबी होना चाहिए, जिसकी बीवी मोटी जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, मतलब हम हाइट भी है सड़ा हम क्या बात है बोले हाइट का भी बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो हमारा कुछ भी हम काम करने का मन करेंगे तो हम तुरंत ही देख लेंगे, कोई हाइट जगह पर चढ़ के भी हम मतलब उतार लेंगे, कोई बहुत ही बड़ी बात है ना। तो हमारा फायदा भी हो जाता है, कहते हैं ना जो हाइट होता है उसके मुंडी में पहले लात पड़ता है, कहते हैं हमारे ओडिया में एक कहावत है डेंगा के डेंगे के ऊपर ठेंगा, डेंगा ऊपर ठेंगा कहते हैं, मतलब हम हाइट हाइट को डेंगा कहते हैं हमारी उड़िया में, वो कहावत है। तो कपड़े को भी सुखा दी हूँ। इधर एक नींबू का पेड़ था, ये हमारा पुराना घर है, इसको कट कर दिए हैं, क्लीन हो गया। इस आम पेड़ को भी कट होगा लेकिन आम बहुत हुआ है। और नीचे भी कुछ कपड़े था जो उनके शर्ट वगैरह हुए, वो जो इनर है ना इनर को मैं नीचे पटिका में ही डाल रही थी, ऊपर में सारे नहीं दी। इधर किचन में एकदम से आ गई, सब्जी वगैरह सब कटिंग हो था सब कर दी थी, और सब्जी वगैरह कटिंग करेंगे तो हमको काम खाना बनाने में इजी होता है, क्या बोलते हो? तो मैं कोई सब्जी भी बनाकर हम खा लेते हैं, लेकिन जो मिक्स वाला सब्जी ना बेटी नहीं खाती, इसी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये देखिए मैं अचार जो बनाई थी अचार को सुखाने के लिए धूप में देने के लिए मैं ले जा रही थी, और सब्जी बन रहा था तो मैं ये सोचा जो डिब्बे होता है ना डिब्बी होता है डिब्बी तेल धूल वगैरह सब होता है, तेल तो ज़्यादा नहीं होता है एक डिफेन है तो धूल वगैरह होता है, तो इसे भी हम हाथ को पकड़ पकड़ के ही किसी डिब्बी कुछ डिब्बी को हम पकड़ पकड़ के ही तेल ऑयल वगैरह लग जाता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो मैं
सोची एक बर्तन में सर्व कर दूंगी और कपड़े उसके ऊपर देकर उसको मैं अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। तो मैं कुछ डिब्बा साफ़ कर दी हूँ, खाना बना रही थी और डिब्बा को साफ भी कर रही थी। ऐसा मेरा काम होता है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ, लेकिन जब मन करता है तभी तो कर लेती हूँ। मैं लगभग आज बहुत सारे डिब्बे भी साफ कर दी हूँ। मैं जो बीच में जो होता है, जो सेल्फ होता है ना, बीच वाला जो डिब्बा होता है, बड़ा वाला जो डिब्बा होता है, मसाले डिब्बे को तो नहीं साफ करी ही, लेकिन जो हम दाल रखते हैं, दाल बिस्किट मिक्सचर, वो वाला जो सारे डिब्बे होते हैं, ज़्यादातर बेसी यूज होता है बिस्किट और मिक्सचर डिब्बा यूज होता है। और मेरी बेटी तो हमेशा किचन आती है, मतलब वो मिक्सचर खाएगी, मतलब खाएगी, कभी भी कुछ टाइम भी हम खाना खाने के लिए निकालूंगी तब भी वो बैठ जाएगी स्टूल के ऊपर और मिक्सचर खा लेगी। ऐसा होता है, मेरी बेटी का ऐसा ही हालत होता है। तो ये देखिए, मैं डिब्बा भी साफ कर रही थी और सब्जी भी बना रही थी, ऐसा काम कर रही थी। तो दोनों काम हो जाएगा, खाना भी बन जाएगा, सब्जी भी बन जाएगा और मेरा डिब्बा भी साफ हो जाएगा, ऐसे मैं कर रही थी। तो कौन सी फ्रेंड्स मेरा ऐसे करते हो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा होता है भाई, बहुत ही काम होता है, हम औरतों का तो काम हमेशा लगा रहता है, कुछ ना कुछ काम इधर उधर का काम ही करना पड़ता है। और दो पे तो मैं नहीं कर पाती हूँ, सब जाती हूँ। तो ये देखिए, सब्जी तो भाजी वगैरह बनाई और ये टमाटर वगैरह, मतलब आज क्या क्या बनाई थी, भाजी जो हमारा आलू और भिंडी की भाजी और पुई साग तड़का और टमाटर खटाई बनाई थी, ये सब मैं बनाई थी। और हम उड़िया का लोग तो है, चावल खाते हैं। ये डिब्बे सारे मैं देखिए साफ करी थी, अचार के डिब्बे तो तेल ऑयली होता है, मतलब होता है। और हम धूल मेला होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो वो सब मैं साफ कर रही थी और साफ भी कर दी हूँ। देखिए ये बनाई थी हमारा तड़का, पुई खटाई और भाजी और सब। ये देखिए चिला भी बनाई थी नाश्ता के लिए, और मैं सोया भी बनाई थी, सोया और आलू। और दोपहर को मैं नहीं करी वीडियो, और ये वो बच्ची तो हमेशा हमारे घर में रहती है और क्या, और हमको भी अच्छा लगता है, मज़ा लगता है, इतना हँसती है, कुछ भी बोलो तो इतना हँसती है। करो हम लोगों की मज़ा कभी सुनो और कितना हम हँस रहे थे। तो हम लोगों का ऐसा होता है। वो बच्ची देखिए कैसे डांस करती है, और ये ना इवनिंग इस टाइम भी, मतलब रात में 7:30 बजे आसपास वो नीचे सोई थी और अभी जा रही थी, देख लीजिए। और मैं कपड़े को फोल्ड करके रख रही थी, और बेटी भी मेरे साथ बात कर रही थी। मैं रोटी वगैरह सब बना रही थी, डिनर बन गया था रोटी, और सब्जी तो था। दिन में इतना सब्जी बन जाता है तो रात को मैं सब्जी नहीं बनाती, कभी कभार बनाती हूँ, ऐसे रेगुलरली नहीं बनाती हूँ कभी भी मैं। तो हस्बैंड के कपड़े जो पैंट वगैरह सारे, उसको मैं फोल्ड करके रख रही थी और ऐसे डांस भी कर रही थी। मेरा तो ऐसा होता है, हमें सारे हम सबके अंदर भी बचपन रहता है, बसता है, ऐसे मुंह मार के तो हम नहीं बैठेंगे। तो मेरा तो ऐसा होता है भाई, हमेशा मैं हंसी मजाक ऐसे में मुझे जीना अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए बेटी भी बाल बना रही थी, मैं कपड़े को फोल्ड कर रही थी, और हमारी बातें भी चल रहा था इधर उधर का, और माँ भी तो है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय।